हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th की डेट शीट जारी कर दी है और जो डेट शीट में दोस्तों सब्जेक्ट दिए गए हैं उसी सब्जेक्ट का ही आप एग्ज़ाम दे सकेंगे, पेपर दे सकेंगे। उसके अलावा किसी का भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएंगे इस री एग्ज़ाम के दौरान, जो कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। बट फिर भी बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं कि सर क्या हम संस्कृत का दे सकते हैं, क्या हम फिजिकल एजुकेशन का दे सकते हैं, क्या हम पेंटिंग का दे सकते हैं। तो उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट आपका इस डेट शीट में दिया गया क्लास 10th और क्लास 12th की, उसी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्लास 10th की जो डेट शीट, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुन लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। सोशल साइंस, हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। होम साइंस, साइंस की थ्योरी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स। ये जो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इन 10 सब्जेक्ट का ही आप केवल एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका एवरेज मार्क्स आएगा उसी हिसाब से आपका फिजिकल का भी नंबर ऐड हो जाएगा, संस्कृत में भी नंबर ऐड हो जाएगा, प्रिंटिंग में भी आपका नंबर ऐड हो जाएगा। जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं इन्हीं सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक। इसी आधार पर दोस्तों क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th का जो सीबीएसई ने जो डेट शीट जारी की है उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट हैं और ये टोटल 19 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इस 19 सब्जेक्ट्स में से ही आपको एग्ज़ाम देना है और इसी के अकॉर्डिंग आपके एवरेज मार्क्स निकाल कर आपको जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें आपको नंबर दे दिया जाएगा। इंग्लिश है, बिजनेस है, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, बायोलॉजी, हिंदी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, थ्योरी, होम साइंस। इन सब्जेक्ट के अलावा आप कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे इस एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि सर हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ भरना है। तो दोस्तों मैंने कल इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाया था कि आप अपने स्कूल में जाइए, आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है, जो एग्जामिनर चार्ज है, वो आपको फॉर्म भरेंगे। अब इसको लेकर बहुत से पूछ रहे हैं सर हम लेटर लिखना है। तो दोस्तों लेटर नहीं लिखना होगा, लेटर के बदले आप क्या कर सकते हैं, अगर लेटर लिखना हो तो लेटर लिख दीजिए, नहीं तो आपका क्लास का रोल नंबर, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसका सेक्शन, अपना मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें लेकर आपको स्कूल में जाना है और प्रिंसिपल कह देना है कि हम री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो आपको फॉर्म भर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये है प्रक्रिया, तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का पैनिक मत लीजिए, सेम प्रोसेस है, आराम से आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। 15 तारीख की लास्ट डेट है आज दोस्तों, 12 अगस्त हो चुका है, 3 दिन का समय और है, तो जो भी री एग्ज़ाम देना चाहता है वो री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप से मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दे और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा दोस्तों क्लास 10th की जो SST है, मैथ और साइंस, उसके इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हम आप सभी को लेकर आएंगे आप सभी के लिए, ठीक। इसी प्रकार से क्लास 12th की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। कुछ 3-4 सेशन के अंदर हम सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे और मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके CBSE बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको अपने पढ़ाई में लग जाना, अपना 100% देना दोस्तों। बट यही मैं कहना चाहता था आपसे कि बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए क्योंकि अब री एग्ज़ाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं दोस्तों, क्वेश्चंस पेपर संबंधित, हाँ बहुत से बच्चों को डाउट ये थे कि सर जो हमें जो हमारा जो है डेट शीट तो आ गई है, अब हमारा सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्या सेंटर जो हमारा पड़ेगा वो बाहर पड़ेगा या हम सेंटर पड़ेगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेंटर दोस्तों वो कोरोना की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोरोना की सिचुएशन अगर आपके ज़िले में ज़्यादा ख़राब है तो वो आपके ज़िले में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, हो सकता कहीं और हो जाए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कोरोना पर। इसके अलावा नफीज अगर हम बात करें तो दोस्तों जो कोरोना के अलावा है, अब बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे मेरे से कि सर क्वेश्चन हार्ड आएगा इजी आएगा, तो दोस्तों मैंने इसलिए वीडियो बना दी थी स्पेशली कि जो क्वेश्चन आपका जो सैंपल पेपर दिया गया उसी अकॉर्डिंग आएगा। 16 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो एक ही नंबर के MCQ टाइप आएंगे, फिर 2 नंबर के भी आएंगे, 4 नंबर के भी आएंगे, 5 के 6 के भी आएंगे, इस तरह से आपके पेपर में पैटर्न एग्जाम में आपका निर्धारित किया गया है, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपको पता ही, 30 सितंबर तक जो है CBSE द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए कोई फीस आपको देनी नहीं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो सब प्राइवेट के लिए भी है, कंपार्टमेंट वालों के भी है, री एग्ज़ाम वालों के लिए भी है, जो इम्प्रूवमेंट बन रहे हैं सभी के लिए। तो किसी प्रकार की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा दोस्तों क्लास ट्वेल्थ के बाद भी, क्योंकि हम बीए और बीए प्रोग्राम हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल ऑनर्स भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं, तो इससे सारे रिलेटेड आपकी जानकारी मिलती रहेगी कि आपके कैरियर गाइडेंस के अंदर भी आपको क्या चेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए क्लास ट्वेल्थ को, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी दोस्तों। अब अगर आपको कोई डाउट्स है दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उन सभी डाउट्स को मैं दोस्तों निराकरण करूँगा। हाँ, एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से कि सर कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि जिसके दो सब्जेक्ट में इम्प्रूव री आई है या इसेंशियल रिपीट आई उसको फॉर्म नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा सीबीएसई ने किसी नोटिफिकेशन में तो नहीं कहा, स्कूल वाले पता नहीं कहाँ से अपने तरह के लो निकाल रहे हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, स्कूल जाइए और उसका अपना फॉर्म फिलअप करवाइए कि उन्हें कहीं टाइम निकालना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर इसके रिलेटेड अभी कोई डाउट्स है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।